नमस्कार दोस्तों, जय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की खबरें सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, नए सिस्टम के साथ सक्रिय हो गया है मौसम। जी हाँ फ्रेंड्स, बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल और इन चार संभागों में अच्छी बारिश के आसार। मानसून की विदाई कब होने वाली है और किन किन राज्यों में बारिश की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप किस राज्य से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपके राज्य का भी हाल बता सके। वर्तमान में मौसम तंत्र सक्रिय है, एक मानसूनी ट्रफ लाइन प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है। इसके अलावा 2 से 3 दिन बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना बताई गई है, जिसके असर से जबलपुर सहित संभाग में हल्की बारिश हो सकती है। जी फ्रेंड्स, अक्टूबर के पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी मानसूनी सिस्टम बनने की संभावना का चलते सितंबर अंत तक बारिश का एक और दौर आ सकता है। MP मौसम विभाग के माने तो 27 से लेकर के 29 सितंबर के बीच बादलों का बारिश दौर जारी हो सकता है। नए सिस्टम का प्रभाव इंदौर, जबलपुर, शहडोल, रीवा संभाग में देखने को मिल सकता है। वही भोपाल, नर्मदा, पूर्वम, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के कम असर के चलते हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग की तरफ से नया अपडेट दे दिया गया है और भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छा सकते हैं, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। वही 2 दिन बाद सक्रिय होने वाले सिस्टम का असर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। इसके असर से जबलपुर और ग्वालियर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वही अक्टूबर के पहले सप्ताह से मानसून की विदाई होने के आसार है। जी फ्रेंड्स, जून से सितंबर तक का बारिश का रिकॉर्ड है, जो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे कई जगहों पर पानी भी भर गया है। जी फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।